भूमि बामरे मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट आज से रोजाना सुनवाई करेगा। मध्यस्थता के जरिए विवाद का हल निकालने का प्रयास असफल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया। 1 अगस्त को मध्यस्थता समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी और सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि मामले का कोई हल नहीं निकाला जा सका। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 को खत्म कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया और लंबी चर्चा के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पास किया गया। बिल के पक्ष में 125 और विरोध में 61 वोट पड़े। सरकार ने धारा 370 और 35 को खत्म करके जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया। केंद्र के इस फैसले से देश भर में जश्न का माहौल। कमाल राशिद खान ने भी लिखा है, चाहे लोग कुछ भी कहें लेकिन सच है कि कश्मीर हमारा है और मैं अमित शाह जी के साथ खड़ा हूं। कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए आर्टिकल 370 को खत्म किया जाना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 7वीं कट ऑफ लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। छात्र छात्राओं का अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, उनके लिए शानदार मौका है। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का जो आखिरी दिन है, ऐसे में माना जा रहा है कि सत्र के अंतिम दिन सरकार कई विधेयक पास करवा सकती है। मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी है जिसमें 10 नए संशोधित विधेयक पटल पर रखे जा सकेंगे। मानेसर जमीन घोटाला मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपी आज कोर्ट में पेश होंगे। पिछली सुनवाई के दौरान हुड्डा समेत सभी आरोपियों के आरोपों को लेकर शुरू हुई बहस आज भी जारी रहेगी। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। घोटाले को लेकर सीबीआई ने हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया, जिसके बाद ईडी ने भी इस मामले में हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इस मामले में कांग्रेस के तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने पौने दाम पर बेचने का आरोप। एजेल प्लॉट आवंटन मामले की सुनवाई आज। वही मानेसर जमीन घोटाले के साथ ही आज एजेल प्लॉट आवंटन मामले में भी पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह हुड्डा सीबीआई कोर्ट में इस मामले में पेश होंगे, हालांकि एजेल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा आज कोर्ट नहीं पहुंचेंगे। आज आरोपियों पर लगे आरोपों पर बहस होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन समय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन थे। डबल आरोप है कि उन्होंने सीएम रहते हुए नेशनल हेराल्ड की सब्सिडी एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजुएल कंपनी को 2005 में 1982 की दरों पर प्लॉट अलॉट कर पाया। पंचकुला के जोहड़ी गांव में एक महिला को किडनैप करने की कोशिश का मामला सामने आया। दरअसल महिला काम से घर वापस आ रही थी, तभी गाड़ी सवार तीन लोगों ने महिला को किडनैप करने की कोशिश की। महिला ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई और शोर सुनकर ग्रामीणों ने तीन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मनी डबवाली में दो बहुओं ने ससुर की जमकर पिटाई की, पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ। असल उप तहसील गोरीवाला में ससुर को अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने आना महंगा पड़ गया। बहुओं का आरोप है कि दो बेटे होने के बावजूद वो अपनी जमीन किसी और को बेच रहा था। दोनों बेटे बहू किराए के मकान पर रह रहे हैं, इसलिए दोनों बहुओं ने अपने ससुर को तहसील में लाखों से पीटना शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा परिवार आपस में भिड़ गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कराया और मामला दर्ज किया। रेवाड़ी के आसलवास गांव के नजदीक सीएनजी ऑटो में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। तीन मैचों की T20 सीरीज के पहले दो मैच जीतने के बाद भारत ने
सारा खान का आज जन्मदिन है। सारा ने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले दूरदर्शन और ईटीवी के लिए एंकरिंग भी की। साल 2014 में रियलिटी शो बिग बॉस 4 में सारा खान ने तथाकथित बॉयफ्रेंड अली मर्चेंट से शादी की, हालांकि 2 महीने बाद दोनों का तलाक हो गया। राखी सावंत को इंडस्ट्री में ड्रामा क्वीन कहा जाता है तो सारा खान उससे कम भी नहीं है। सारा भी इंडस्ट्री में हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरी रहती है। सारा और अली के दोस्तों के मुताबिक शो के दौरान शादी करने के लिए उन्हें 50 लाख रुपए मिले थे। इस दौरान दोनों की कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी चर्चा में रही।